top 10 private B schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. के बारे में कुछ कंफ्यूजन चारों तरफ फैला हुआ है। हम सब लोग जानते हैं कि सिक्स्थ पे कमीशन आने के बाद सिक्स्थ पे कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के लिए कई स्कूलों ने फीस बढ़ाई। कई स्कूलों ने जो फीस बढ़ाई वो जायज नहीं थी। कोर्ट ने जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी बनाई। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने स्कूलों को डायरेक्ट किया कि आप ये फीस वापस कीजिए। उन स्कूलों ने उस फीस को वापस नहीं किया। अब कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा कि आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। दिल्ली सरकार ने कैटेगोरिकली कोर्ट में कहा है कि इस कमेटी की रिपोर्ट को हम लागू करवाएंगे और जो स्कूल लागू नहीं करेंगे सरकार फिर उनके खिलाफ सख्त कदम उठा सकती है और अगर जरूरत पड़े तो उन्हें टेक ओवर कर सकती है। मीडिया में जब ये खबर छपी और जिस तरह से छपी उसको लेके कई सारे पेरेंट्स में कंफ्यूजन है। तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार, मौजूदा दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों के खिलाफ नहीं है। मौजूदा दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूल्स को शिक्षा का एक अभिन्न अंग मानती है। अभी तक हमारे देश में जो शिक्षा की प्रणाली थी वो दोहरी शिक्षा की प्रणाली थी। एक तरफ प्राइवेट स्कूल थे, एक तरफ सरकारी स्कूल थे। जिसके पास पैसा है वो प्राइवेट स्कूल में भेजे, जो बेचारा बहुत ही दीनहीन गरीब है वो अपने सरकारी स्कूल में बच्चों को भेजे। सरकारी स्कूलों में शिक्षा बहुत ज़्यादा खराब होती थी। वहाँ से निकलने के बाद बच्चा जो है गरीब का बच्चा गरीब रह जाता था और वो आगे नहीं बढ़ पाता था। इस गैप को मौजूदा सरकार ने पूरा किया है, फिल किया है, खत्म किया है। अब सरकारी स्कूलों को भी इतना अच्छा किया है और किया जा रहा है, मैं ये नहीं कहता सब कुछ हासिल हो गया, फिर बहुत कुछ हासिल होना बाकी है, लेकिन सरकारी स्कूलों को अच्छा किया हम लोगों ने, ताकि अब चाहे गरीब का बच्चा हो चाहे अमीर का बच्चा हो सबको एक जैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। अब एक तरह से एक्चुअली लोगों के पास ऑप्शन है। बहुत सारे लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल से निकाल निकाल के सरकारी स्कूल में भर्ती करा रहे हैं। ये इस बात का सर्टिफिकेट है कि अब प्राइवेट और सरकारी स्कूल लगभग बराबरी के उस पर आ गए। हम प्राइवेट स्कूल्स को इस पूरे सिस्टम का एक अभिन्न अंग मानते हैं। इस पूरी एक्सरसाइज में देयर इज नो विच हंटिंग, हम कोई विच हंटिंग नहीं करने जा रहे। हम सभी 449 स्कूल अभी इसके 449 स्कूल हैं जो कि इसके पूरे घेरे में हैं इस वक्त। उन स्कूल से हम अपील करना चाहते हैं कि हमारी मंशा आपके खिलाफ एक्शन लेने की नहीं है। आप जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी को लागू कर दीजिए, हमारी केवल इतनी मंशा है। जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी ने जो कहा है कि आप लोगों ने ज्यादा फीस ली उस पैसे को वापस कर दीजिए पेरेंट्स को, हमारी ये मंशा है। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे तो सरकार की इस वक्त एजुकेशन को लेके दोहरी नीति है। पहली चीज कि सरकारी स्कूलों को अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, और दूसरी चीज प्राइवेट स्कूल्स में हम इंटरफेयर तो नहीं करेंगे लेकिन उनको डिसिप्लिन जरूर करेंगे। अगर कोई प्राइवेट स्कूल गलत तरीके से पेरेंट्स को लूटता है तो कोई भी जिम्मेदार सरकार चुप नहीं बैठ सकती, जो अभी तक होता आया था कि प्राइवेट स्कूल्स की लूट को, चूंकि पॉलिटिकल कनेक्शंस होते थे, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता था, उसको अलाउ किया जाता था सरकारों की
और मंत्रियों की कल्यूजन की वजह से अब ये सरकार चुप नहीं बैठेगी। तो आज मैं उन सारे स्कूल से अपील करना चाहता हूं कि जिम्मेदार सरकार, हम आपसे फिर से अपील करते हैं कि आप जस्टिस अनिल देव सिंह कमेटी को लागू कर दीजिए। हमारी कोई मंशा नहीं है आपके खिलाफ इंटरफेयर करने की, आपके खिलाफ कोई कदम उठाने, लेकिन अगर कोई स्कूल उसको लागू नहीं करेगा तो फिर ये सरकार चुप नहीं बैठने वाली। एज अ लास्ट एंड लास्ट रिजॉर्ट अगर हमें स्कूल को टेक ओवर करने की जरूरत पड़ी तो बहुत ही दुखी मन से हम वो कदम उठाने में हिचकेंगे। अब कुछ डेटा है, मैं मनीष जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अनएडेड स्कूल्स को उन्होंने स्टूडेंटाइज किया था और उसमें से उन्होंने ये पाया था कि 544 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने एक्सेस फीस ली है 1108। तो उस अनिल देव सिंह कमेटी के ऑर्डर्स, उनके रिपोर्ट्स लगातार आई हैं, कई फेज में आई हैं, उनका कोई इम्प्लीमेंटेशन कराने की मंशा से सरकार ने काम नहीं किया। पहले हमने इसको आगे बढ़ाया था, अभी तक जो स्थिति है उसमें से, क्योंकि माइनॉरिटी स्कूल्स का स्टेटस अलग है तो 44 स्कूल तो माइनॉरिटी के निकल जाते हैं, 15 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने बच्चों को वापस पे कर दिए या उन्होंने ये दिखाया है कि ये कोर्ट में दिखाया, मतलब अपने पूरे रिपोर्ट्स में दिखाया है कि हमने ये जो एक्सेस आप बता रहे हैं ये हमने अपने स्टाफ को पे किया है। 5 स्कूल ऐसे हैं जिन्होंने कोर्ट में फीस डिपॉजिट कर दी है, वो अमाउंट जो अनिल देव सिंह कमेटी ने मेंशन किया है वो कोर्ट में डिपॉजिट कर दिया है। 17 स्कूल ऐसे हैं जिनको हम पहले डीरिकॉग्नाइज करने का नोटिस दे चुके हैं। 13 स्कूल ऐसे हैं जो बंद हो चुके हैं। 1 स्कूल ऐसा है जिसको सरकार पहले ही टेक ओवर कर चुकी है, अभी पीछे 1.5 साल पहले हमने, 1 साल पहले टेक ओवर किया था। तो कुल मिला के 544 में से 95 स्कूल इन अलग अलग कैटेगरीज में आ रहे हैं जो मैंने बोला। उसके बाद 449 स्कूल्स हैं जिनको शो कॉज नोटिस दिया गया है कि अगर आप अनिल देव सिंह कमेटी को कंप्लाई नहीं करेंगे, उसके ऑर्डर्स को कंप्लाई नहीं करेंगे, तो सरकार मजबूरन ये कदम उठा सकती है कि आपको टेक ओवर करना पड़ेगा, उनको शो कॉज नोटिस दिया गया है। नहीं है बिकॉज इनमें से कई सारे ऐसे स्कूल हैं जो अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वी रिकॉग्नाइज दैट, वी रिकॉग्नाइज दैट कंट्रीब्यूशन टू द एजुकेशन इन दिल्ली ओवर इयर्स, लेकिन जो गलत काम है उसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा और उसमें सरकार से।